إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هرتريكي تعريف وصلى رب العالمين كي للايقو जो सारे जहान का अकेला खालिक है मालिक है हाकिम है राजिक है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है दरुद सलाम नाजिल हों, अल्लाह के तमाम नबियों पर खूसा आखिरी नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहतरम हाजरीन अल्लाह ताला ने हम सब को पैदा किया और हमारे साथ एक फ़रिश्ता और एक शैतान लगा दिया फरिश्ता हमेशा हमको नेकियों की तरफ उभारता रहता है और शैतान हमेशा बुराई की तरफ वर्गलाता रहता है हमें चाहिए कि हम शैतान के हरबे को कामयाब ना होने दें और अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचाने अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तो हम थोड़ी देर के लिए सोचने लग जाएंगे कि हमारी किससे दुश्मनी हो सकती है इंसानों से जो दुश्मनी है यह दुनिया की हद तक है और उससे कोई ख़ास नुकसान नहीं होता लेकिन सबसे बड़ी दुश्मनी जो है वो शैतान से है शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है इससे बड़ा दुश्मन इंसान का कोई नहीं हो सकता शैतान हमारा दुश्मन है ये हम नहीं कहते हैं हमारे रब ने कहा है हमारे अल्लाह ने कहा है अल्लाह ताला ने फरमाया न शैतान लकुम अदूब फतख अदूआ शैतान तुम्हारा दुश्मन है तुम उसको दुश्मन ही समझो तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है तुम उसको दुश्मन ही समझो इन नमा यद हिजबहुल यकून मिन अबिलजह शैतान के जो चेले हैं शैतान का जो गिरोह है वो ये चाहता है कि तुमको जहन्नमी बना दे इसलिए शैतान की कोशिश ये रहती है कि इंसान को गुमराही में डाल दे शिरक करवा दे और जन्नत से महरूम कर दे तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है अल्लाह ने एक और मकाम पर फरमाया इन न शैतान का निल्सान अदू व मुबीना बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है तो अल्लाह तबारक ने शुरू में ही हमको ये बात बता दी कि शैतान हमारा दुश्मन है और हमें इस दुश्मनी को समझना है अब हम आपको ये बताएंगे कि शैतान हमारा दुश्मन क्यों है वजह क्या है शैतान हमसे दुश्मनी क्यों करता है हम और आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को अपने हाथ से बनाया और बनाने के बाद फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें अल्लाह के इस हुक्म में फरिश्तों के साथ शैतान भी शामिल था इब्लिस भी शामिल था तो तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर लिया इब्लिस ने नहीं किया तो अल्लाह ताला ने पूछा कि तूने मेरे हुक्म के मुताबिक आदम को सजदा क्यों नहीं किया तो इब्लिस ने कहा कि मैं आग से बना रहाँ आदम मिट्टी से बने हैं और आग मिट्टी से बढ़कर है इसलिए मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा ये है असल मसला अल्लाह तबारक ने उसी वक्त इबलीस को जन्नत से निकाल दिया और कहा जा कयामत तक तू हमारी निगाहों से दूर हो जा तू जन्नत से महरूम है और क़यामत तक तू दरगाह है चूँकि आदम सलाम की वजह से वो जन्नत से निकाला गया था इसलिए उसने उसी वक्त कसम खाई कि मैं आदम को और आदम के तमाम जरूरीत को गुमराह करने की कोशिश करूँगा और अल्लाह की कसम खाई और शैतान ने अल्लाह से इजाज़त मांगी कहा अय अल्लाह तू मुझे इजाज़त दे दे क़यामत तक आदम को और आदम की औलाद को गुमराह करता रहूँगा अल्लाह जा मैंने तुझे ये इजाज़त दे दी है और अल्लाह तला ने यह भी फरमाया कि ए शैतान तू और जो भी तेरी पैरवी करेगा हम उन तमाम को जहन्नम में डाल देंगे लेकिन अल्लाह तबारक ने ये भी फरमाया कि अगर मेरा कोई बंदा शैतान के फरेब में आकर गलत काम कर लेता है लेकिन वो फिर मुझसे तोबा करता है तो मैं उसको माफ़ कर देता हूँ ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है तो हमें चाहिए कि अगर शैतान कभी हमको गुमराह करे कभी शैतान हमसे गलत काम करवा दे तो हमें फौरन अल्लाह की तरफ रजू होना चाहिए फौरन अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए शैतान ने सबसे पहले जिस शख़्स को गुमराह करने की कोशिश की वो कौन है आदम और हवा हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं शैतान ने आदम और हवा के दिल में वसवसा पैदा किया और कहा फ़ला दरख्त जिसके पास जाने से अल्लाह ने मना किया है ये क्यों मना किया है इसलिए कि अगर तुम उस दरख्त का फल खा लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नती हो जाओगे चुनान चाहते आदम अलैहिस्सलाम को माई होवा को गुमराह करके शैतान ने वो फल खिला दिया नतीजा क्या हुआ जन्नत का लिबास उतर गया बरहना हो गए लेकिन फौरन उनको याद आया कि हमने अल्लाह की नाफरमानी की है फ़ौर अल्लाह से रोने लगे गिगड़ाने लगे और अल्लाह से दुआ मांगी, रबना जलमना, अनफुसना, विलम तकफिर लना व तरह न लनकुन न अल्लाह हमने अपने रब पर म कर हमने अपने आप पर म कर लिया है अगर तू तो हमको माफ़ नहीं करेगा तो हम गुमराह लोगों में से हो जाएंगे हम भटके हुए लोगों में से हो जाएंगे खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे चुनान अल्लाह ने उनकी तोबा को कबूल किया ये असल दुश्मनी है हमारे बाप आदम की वजह से शैतान जन्नत से निकाला गया था इसलिए उसकी कोशिश है कि हमको भी जन्नत से महरूम कर दे ये असल दुश्मनी है जो हमको समझने की ज़रूरत है शैतान को अल्लाह ने बहुत ताकत दी है शैतान को अल्लाह ने बहुत पावर दिया है इतना पावर दिया है कि शैतान के शर से बचना इंसान के बस में बहुत कम है मगर वो शख्स जिसको अल्लाह तबार व तआला की मदद हासिल हो अल्लाह की रहमत हासिल हो अल्लाह तआला ने फरमाया, इन्नहु यराकुम इन्नहु यराकुम शैतान तुमको देखता है हुआ वो कबीलहू मिनहई सुला तरहम शैतान भी तुमको देखता है शैतान के चेले भी तुमको देखते हैं लेकिन तुम शैतान को नहीं देख सकते हो समझ में बात आ रही है शैतान हमको देख लेता है लेकिन हम शैतान को नहीं देख पाते हैं अगर हमारा कोई दुश्मन है और हम उसको देखते हैं वो ताकतवर हो या कमज़ोर हो हम उसको देखते हैं तो उसी हिसाब से हम तैयारी करते हैं कि हम अपने दुश्मन को पिछाड़ देंगे हम अपने दुश्मन को मगलूब कर देंगे लेकिन अगर हमने अपने दुश्मन को देखा ही नहीं और दुश्मन छुप करके हमारे ऊपर वार कर देता है आप सोचें कि ऐसे दुश्मन से बचना कितना मुश्किल है वो तो हमें देख रहा है लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे ये शैतान की ताकत है अल्लाह ने फरमाया इन यराकुम हुआ व कबील हु मिन हई सुन शैतान और उसके चेले तुमको देखते हैं लेकिन तुम उनको नहीं देख सकते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन न शैतान यजरी मिन इबन आदम दम। शैतान इबन आदम के रगों में खून की तरह दौड़ता हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों में खून की नलियां हैं और वो खून जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंचता है खून की उस नली और खून का उस, पा, उस पावर को हम तस्वूर नहीं कर सकते हैं और अगर जिस्म के किसी हिस्से में खून सप्लाई होना बंद हो जाए तो वो जिस्म का वो हिस्सा नाकारा हो जाता है शैतान को पावर कितना है हमारे नबी ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म में खून की तरह दौड़ता है जिसम के एक एक हिस्से में शैतान शरायत किए हुए है अब बताइए उससे बचना कितना मुश्किल होगा तो यह शैतान की कुत और ताकत है शैतान चाहता क्या है शैतान की पहली ख्वाहिश यह होती है कि शैतान हमारी वजह से जन्नत से निकाला गया है इसलिए वो हमें भी जन्नत से महरूम कर दे तो शैतान इंसान को शिरक में मुबतला करना चाहता है, कुफ्र में मुबतला करना चाहता है। इसलिए शैतान की पहली कोशिश यही होती है कि इब्ने आदम से शिरक करवा दे चुनानचे आप देखेंगे कि इंसानों की अक्सरियत शिरक में मुबतला है इंसानों की अक्सरियत शिरक में मुबतला है और जो हम अपने आप को माहिद और मुसलमान कहते हैं मुसलमानों की अक्सरियत भी शिरक में मुबतला है यह शैतान का पहला हरबा है कि इंसान को मुशरक बनाना चाहता इंसान को काफिर बनाना चाहता और जब इंसान शिरक और कुफ्र में मुबतला हो जाता है तो शैतान खुश होता है कि मेरा काम हो गया इसी तरह शैतान ये चाहता है कि लोगों को लड़ा दे आप देखेंगे भाई भाई में झगड़ा हो जाता है मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई हो जाती है यह कौन कराता है शैतान इंसान को लड़ाकर शैतान खुश होता है और जब इंसान आपस में लड़ते हैं तो शैतान खुशियां मनाता है एक रवायत में बताया गया है कि शैतान अपना अर्श पानी पर बिछाता है अपने तमाम चेलों को बुलाता है और उनको भेजता है कि जाओ तुम अपने अपने काम पर लग जाओ शैतान के चेले चारों तरफ फैल जाते हैं इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं शाम को सब लोग इकट्ठा होते हैं और इब्लीस अपने उन चेलों का मुआजा करता है पूछता है कि तुमने क्या किया है हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी को बताता है कि मैंने फलां को फलां से लड़ा दिया एक बच्चा स्कूल जा रहा था मदरसा जा रहा था मैंने उसको नहीं जाने दिया मैंने दो दो मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया किस्म के उसमें से एक शख्स कहता है एक शैतान कि मैं आज मियाँ बीवी में झगड़ा करा दिया और शौहर बहुत गु़स्से में आ गया उसने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी तो शैतान कहता है तूने बहुत बड़ा काम किया तूने बहुत बड़ा काम किया ये तलाक़ ये खुला ये लड़ाई ये झगड़े ये घरों में बात बात में मतलब एक दूसरे को तानो तशनी करना ये क्यों होता है शैतान की वजह से हमारे घरों में हमारे दिलों में हमारे दिमागों में शैतान का बसेरा हो गया है और इंसान को शैतान गुस्सा दिलाता है और गुस्से में इंसान वो हरकत करता है जो शैतान चाहता है इसलिए हमें गुस्से से परहेज करना चाहिए तो शैतान की हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि इंसानों को आपस में लड़ाए और उनके दरमियान इख्तलाफ पैदा करें शैतान हमारे साथ हमेशा रहता है यहाँ तक कि जब हम अपने बिस्तरों पर होते हैं अपने घरों में होते हैं शैतान हमारे साथ वहाँ भी होता है अल्लाह के वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि शैतान इंसान के बांसे पर उसके पीछे हिस्से पर रात गुजारता है जब इंसान सोकर उठता है दुआ पढ़ता है अलहमद ला लदिना बदमा अमा तना वही तो उसकी एक ग्रह खुल जाती है तीन ग्रह बांधता है एक ग्रह खुल गई फिर वह उठा और वजू किया तो दूसरी ग्रह खुल गई और फजर की नमाज भी पढ़ लिया जमात से तो तीनों तीनों गिरे खुल गई अब शैतान भागता है उसको सर छुपाने की जगह नहीं मिलती है वो कहता है मेरा काम पूरा पूरी मेरी मेहनत बर्बाद हो गई लेकिन एक ऐसा शख्स फजर की अजान हो गई वो सोया हुआ है शैतान उसके घरों में पहुंचता है उसको कहता है अभी बहुत वक्त है अभी बहुत वक्त है सो जा सो जा हम सब लोग सोए रहते हैं शैतान अजान से पहले हमारे घरों में पहुंच जाता है और इंसान को थपकियां देता है कि सो जा सो जाओ भी टाइम है इंसान सो जाता है अजान भी हो गई नमाज भी हो गई सूरज भी निकल गया अल्लाह की रसूल असरम फरमाते हैं कि शैतान उस शख्स के कान में पेशाब कर देता है सही उसके बाद हम मुरझाया हुआ मुंह लेकर के उठते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों जरा गौर करो हम कहते हैं हमारे घरों में बरकत नहीं है हम कहते हैं हमारी जिंदगी में बरकत नहीं है हम कहते हैं पता नहीं किसकी नज़र लग गई ये असल मसला जो हमने समझा ही नहीं फजर की अजान हो गई नमाज हो गई सूरज निकल गया और एक मुसलमान सोता रहा वो कैसा मुसलमान अजान हो गई नमाज हो गई सूरज निकल गया शैतान अपने मकसद में कामयाब हो गया उसके कान में पेशाब करके चले जाता है फिर ये इंसान मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के उठता है उसके बाद उसका पूरा दिन यूं ही खबासतों में नाफरमानियों में गुजर जाता है अगर हम चाहते हैं कि हम शैतानी असर से महफूज रहें वक्त पर उठाएं फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ाएं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला सला तब ही अल्लाह जो शख्स सुबह की नमाज जमत के साथ पढ़ लेता है वह अल्लाह की वह अल्लाह की अमानत में आ जाता है वह अल्लाह के जिम्मे आ जाता है अब अल्लाह उसकी हिफाजत करता है उसकी जान की उसके माल की उसकी इज्जत जत आबरू की हिफाजत करता है तो हमें चाहिए कि शैतान को अपने घरों में ना बसने दें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम अपने घर में दाखिल हो बिस्मिल्लाह कह कहकर के अपनी कुंडी को बंद कर दो। इसलिए कि शैतान बंद दरवाजों को नहीं खोलता है लेकिन जब इंसान बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है तो इंसान के साथ शैतान भी उसके घर में दाखिल हो जाता है और तमाम शैतानों से कहता है आ जाओ यहां हमारे रहने का इंतजाम हो गया है फिर जब शाम को खाने के लिए बैठता है बिस्मिल्ला नहीं कहता है भूल जाता है फिर शैतान अपने चेलों को आवाज देता है आ जाओ हमारे रहने का भी इंतजाम हो गया है खाने का भी इंतजाम हो गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान खाने के लिए बैठता है बिस्मिल्लाह कह लेता है तो शैतान उस खाने में शरीक नहीं हो सकता हमने दरवाजा खोला बिसमिल्ला नहीं किया खाना शुरू किया बिस्मिल्लाह नहीं किया हमारे घरों में हमारे बिस्तरों पर हमारे खानों में शैतान शरीक हो गया अब हम खाना खाते हैं लेकिन आंसू नहीं होते हैं हम खाना खाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती है तो हमें चाहिए कि अपने दरवाजे को हम बिस्मिल्लाह कह कहकर के बंद कर दिया करें अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया कि अपने बर्तनों को बिस्मिल्ला कहकर ढांक दिया करो इसलिए कि बंद दरवाजों को ढके हुए बर्तनों को जो बसमिल्ला कहकर के बंद किया जाए शैतान उसको नहीं खोलता ये छोटी छोटी सुन्नतें ये छोटा छोटा अमल हम अपने घरों में नहीं करते हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी में शैतान हमको गुमराह करता रहता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान घर से बाहर निकलता है वहाँ भी शैतान उसके साथ में रहता है इसलिए जब भी घर से बाहर निकलें अल्लाह का नाम लेकर के निकलें बिस्मिल्ला ही तोल ला हौला वला इल्ला बिल्ला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आदमी घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ ले बिस्मिल्लही तोल तो अल्ला तो शैतान भाग जाता है कहता है इसको हिदायत दी गई अल्लाह इसके लिए काफ़ी हो गया हमारा हरबाब इस पर नहीं चल सकता हमें से कितने लोग ऐसे हैं जो घर से निकलते वक्त इस दुआ का अहतमाम करते हैं घरों में इतरा कुरान का अहतमाम किया जाए आज हमारी हालत यह है कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं कुरान को सिर्फ रमज़ान के लिए हमने खास कर दिया है। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है शैतान वहाँ से भाग जाता है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शैतान उस घर में बसेरा नहीं कर सकता है जहाँ पर सूर्य बकरा की तिलावत की जाए आज हमारे घरों में शैतान हमारे दिलों में शैतान हमारे दिमागों में शैतान हमारे खाने में शैतान हमारे बाथरूम में शैतान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ तक कि इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है नमाज के लिए खड़ा होता है वहाँ भी शैतान आता है शैतान का रास्ता कहाँ से मिलता है जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो ज़रा दूर दूर जो खड़े होते हैं वो बीच में शैतान घुसता है अल्लाह के नबी ससरों ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो सब बंदी करो तो मिल के खड़े हो जाया करो इसलिए कि शैतान तुम्हारे दरमियान बकरी के बच्चे की तरह घुसता है दिलों में वसवसे पैदा करता है कहता है फला चीज को याद करो फला चीज को याद करो हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमारा जहन कहाँ रहता है दुकान में रहता है हम नमाज पढ़ते हैं हमारा दिमाग कहाँ रहता है दोस्तों में रहता है हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमारा जहन मुंतशिर रहता है साहब कराम अल्लाह के नबी वसलम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल नमाज में शैतान वसव डालता है कहाँ मैं उसका नाम भी जानता हूँ आप फरमाया जब तुम में से किसी शख्स को नमाज की हालत में शैतान वसव से तो उसको चाहिए कि अपनी बाई तरफ तीन मरतबा थक थका दे और उज्ल्लाह पढ़ लें मेरे भाइयों इसलिए शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी नमाजों में भी हमारे साथ में रहता है लेकिन अल्लाह का नाम सुन करके वो भागता है अल्लाह के नबी ससरम फरमाते हैं कि जब अजान दी जाती है शैतान भागता है हवा खारिज करते हुए भागता है कहाँ तक भागता है जहां तक अजान की आवाज जाती है अजान सुन के भागता है लेकिन अजान खत्म होते ही फिर मस्जिद में आ जाता है गौर करो ऐसे दुश्मन से बचना कितना मुश्किल है आज इंसानों की मुसलमानों की हालत है, अजान सुन के भागते हैं अजान सुनकर मस्जिद में आने की तौफीक नहीं होती है कितने लोग हैं दुकानों में बैठकर चाय के होटलों में बैठ के, दोस्तों की मजलिस में बैठ के चौराहों और नुक्कड़ों पर बैठ के अपना वक्त ज़ाय करते हैं हमें तोफ़ीक नहीं होती है कि हम मस्जिद में आएँ अल्लाह को याद करें ये ये शैतानी अमल है जो भी ये अमल करे उसको ये समझना चाहिए कि उसके दिलो दिमाग पर शैतान का कब्जा हो गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज़ में वसवसे डालता इसी तरीके से शैतान अल्लाह के बारे में व शबहत पैदा करता है तुमको अल्लाह ने पैदा किया उनको अल्लाह ने पैदा किया उनको अल्लाह ने पैदा किया तो फिर अल्लाह तो तो को किसने पैदा किया कभी कभी इंसान के दिमाग में आता है कि भाई सब चीज़ को तो अल्लाह ने पैदा किया ये ज़मीन ये सूरज ये चाँद ये सितारे ये दरिया ये पहाड़ ये इंसान ये जानवर ये मखलूक़त जिनको हम शुभार नहीं कर सकते सबका खालिक और मालिक अल्लाह है सबको अल्लाह ने पैदा किया तो आखिर अल्लाह को किसने पैदा किया शैतान इंसान को वहाँ तक ले जाता अल्लाह के नबी नबीसम ने फरमाया कि जब शैतान तुमको वहाँ तक लेकर चले जाए जब अल्लाह की बात आ जाए कि अल्लाह को किसने पैदा किया तो फौरन उस पढ़ लिया करो फौरन अल्लाह की पनाह तलब करो इसलिए कि कितने लोग वहाँ पहुँचने के बाद गुमराह हो जाते हैं इसीलिए हमारे नबीसम ने तकदीर पर बहस करने से मना किया लेकिन अफसोस ये होता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों से मना किया गया किया है ज्यादातर लोग उसी बहस व तकरार में पड़ते हैं शैतान इंसान को गुमराही के आखिरी हद तक ले जाता है शैतान के जहां बहुत सारे काम हैं उसमें से एक ये है कि इंसान को भूलने की बीमारी हो जाती भुला देता है, है तो मूसा अपने खादिम के साथ खिजर से मुलाकात के लिए जा रहे थे रास्ते में भूख लगी अपने खादिम से कहा लाओ खाना खाएंगे खाना खाने के लिए जब तोशा खोला तो देखा मछली गायब है कहा मछली कहां गई कहा हमारा क्या ख्याल है जब हम फला जगह पर पड़ाव डाले थे और आप आराम कर रहे थे वहीं तोशा से मछली निकली और समंदर में चली गई मुझे उस वक्त ख्याल था कि आपको बता दूं लेकिन मैं भूल गया शैतान ने भुला दिया इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह कहा है कि जब भी याद आ जाए उसी वक्त वो काम कर लो हमें से बहुत सारे लोग हमारी भी आदत है हमें इस आदत को बदलना चाहिए जब भी हमें याद आए फौरन वो काम करना चाहिए बाद में कर लेंगे कल कर लेंगे ये नहीं इसलिए कि आज हमें याद है कोई जरूरी नहीं है कि कल भी याद रहे शैतान इंसान को भुला देता है इसीलिए आज का काम कल पर कभी नहीं टालना चाहिए बाद में कभी नहीं करना चाहिए याद आ गया फौरन कर लो ये बेहतर तरीका है तो शैतान इंसान को जो बहुत सारे मामलात में गुमराह करता है तो भुला देता है ये भूलने की बीमारी ये भुलवा देना यह शैतान की तरफ से होता है शैतान तो इंसान के उस खास वक्त पर भी उसके साथ में रहता है जब शौहर अपनी बीवी से मुलाकात करता है हम बिस्तरी करता है वहां भी शैतान पहुंचता है वो शैतान जो इंसान के रगों में खून की तरह दौड़ता है आप सोचें कि उसका पावर कितना है हमारे दरवाजे बंद हैं लाइट बंद है घर के लोग अलग हैं सिर्फ मियाँ बीवी अपने बिस्तर पर शैतान वहां भी पहुंचा हुआ है यहां तक कि शौहर जब अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है शैतान वहां भी मौजूद रहता है अकबर कितना बड़ा दुश्मन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया वहां शैतान के शर से बचने के लिए दुआ पढ़ो बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा जन्नब शैतान व जन्नबी शैतान अमिमाना जब भी अपनी बीवी से हम बिस्तरी करो ये दुआ पढ़ लो बिस्मिल्लाह के नाम से अल्लाह जन्निबना शैतान शैतान अल्लाह मुझको मेरी बीवी को शैतान से बचा ले वह शैतान हमारा रज़क्तना और जो औलाद तू हमको देने वाला है हमारी उस औलाद को भी शैतान से बचा ले मियां बीवी की हम बिस्तरी के वक्त भी शैतान पहुंच जाता है यहां तक कि हम उस खलवत कदे में जाते हैं बाथरूम में वाशरूम में बैतुल खला में वहां भी शैतान हमारे साथ जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम के शर्मगाहों से खिलवाड़ करता है कितना बड़ा दुश्मन है हमने उसको दुश्मन जाना ही नहीं हमने उसको दुश्मन समझा ही नहीं खला में शैतान हमारे साथ जाता है इब्ने आदम के शर्मगाहों से खिलवाड़ करता है चाहे मर्द हो या औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचो पहुंचने से पहले दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु का मिनल वल खबाइस ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस शैतानों और जिन्नों से खबीस जिन्नियों से अगर हम चाहते हैं कि अपने बैतुलखला में वाशरूम में हम सुकून के साथ अपनी जरूरत पूरी करके बाहर निकलें तो हमें इस दुआ का अहतमाम करना है मेरे भाइयों ये दुआएँ और ये वाकयात और शैतान का ये ता, की ये ताकत सुन के आपको एहसास होता होगा कि शैतान को अल्लाह ने कितना पावर दिया है कहाँ कहाँ हमको मिसगाइड करता है कहाँ कहाँ हमको गुमराह करने की कोशिश करता है मेरे भाइयों इसलिए हमेशा शैतान से बचने की तदबीर को अपनाओ अल्लाह के नबी वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है जैसे ही अपनी मां के पेट से बाहर निकलता है शैतान वहां भी पहुंच जाता है वहां पहुंच जाता है और फौरन उस पैदा होने वाले बच्चे को कचोके लगाता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पैदा होते ही बच्चा जो चीख मारता है जो चिल्लाता है इसकी वजह मालूम है वही वजह है शैतान उसको कचो के मारता है सोचिए उसका पावर कितना है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने इंसान पैदा हुए हैं तमाम इंसानों को पैदा होने के बाद फौरन शैतान कचो के मारता है सिर्फ हजरत ईसा सलाम और उनकी वालिदा मरियम ये दो शख्सियतें ऐसी हैं कि शैतान इनकी पैदाइश के वक्त इनको कचोकी नहीं लगा सका बाकी कोई महफूज नहीं है कोई महफूज नहीं है अल्लाह तला हम तमाम को शैतान के हरबों से और फितनों से महफूज रखे इसी तरीके से शैतान इंसान को बुरे बुरे ख्वाब दिखाता है हम देखते रहते हैं बच्चा मुस्कुराता रहता है सोया हुआ है अचानक डर जाता है शैतान डरावनी शक्ल में आता है बच्चों को भी बूढ़ों को भी बड़ों को भी मर्दों को भी औरतों को भी शैतान डरावने ख्वाब दिखाता है जिससे इंसान को हॉल होता है जिससे इंसान को घबराहट होती है अल्लाह वो हौल और घबराहट से हमें महफूज रखे कभी कभी मैं देखता हूँ मेरे पास भी लोग आते हैं माशाल्लाह तंदरुस्त नौजवान और ताकतवर पता नहीं साहब रात में घबराहट होने लगती है बुरे बुरे ख्वाब नजर आते हैं अपने आप पर काबू नहीं रह जाता है अपने आप पर काबू नहीं रह जाता है बेचैन हो जाता हूं कहां भाग जाऊं घर बड़ा है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि हमको दबा रहा है आपके साथ भी हमारे साथ भी होता होगा क्यों होता है ये? ये शैतानी असर रहता है दुआओं का एहतमाम करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले जो पढ़ने की दुआएं सिखलाई हैं खुलौज बरबिल रबास ये दोनों सूरतें बड़ी अहम हैं सोने से पहले इनका एहतमाम किया जाए सूर्य बकरा की आखिरी दो आयतों का अहतमाम किया जाए आयतल कुर्सी का अहतमाम किया जाए घर में दाखिल होते वक्त निकलते वक्त जिक्र किया जाए नमाजों के बाद अल्लाह का जिक्र किया जाए सोकर उठने के बाद अल्लाह का जिक्र किया जाए सोने से पहले बिस्तर पर बैठने से पहले जिक्र किया जाए हर लम्हा हर घड़ी अल्लाह को याद किया जाए ये दुआओं का अहतमाम करके हम शैतान के शर से महफूज रह सकते हैं मेरे भाइयों वरना शैतान का पावर इतना ज़्यादा है कि उससे बचना बहुत मुश्किल है जैसा कि मैंने वजाहत की आपके सामने कुरानी मजीद की आयतें और हदीसें पढ़ करके मैंने आपको समझाया कि शैतान कहाँ कहाँ तक हमारे साथ रहता है हमें चाहिए कि हम अपने अपनी दिफा के लिए अपने प्रोडक्शन के लिए हम दुआओं का अहमाम करें कुरानी मजीद की तिलावत करें दुआएं मासूरा अल्लाह के नबी वसम ने जो दुआएं सिखाई हैं उन दुआओं का अहमाम करें अल्लाह से अल्लाह की पनाह तलब करते रहें और हमेशा पाक साफ़ रहें हमेशा पाक साफ रहें नापाकी की हालत में शैतान का हरबा ज़्यादा चलता है बहुत सारे लोग बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद गसल नहीं करते हैं नापाक रहते हैं ऐसे लोगों पर शैतान का हरबा ज़्यादा चलता है जो लोग पेशाब करने के बाद इस्तिंजा नहीं करते हैं ऐसे लोगों पर शैतान का हरबा चलता है जो लोग गंदी सोच और गंदी फिक्र में लगे रहते हैं ऐसे लोगों पर शैतान का हरबा ज़्यादा चलता है जो लोग मोबाइल और इंटरनेट और टीवी पर गलत और फहश तस्वीरें देखते रहते हैं ऐसे लोगों पर शैतान का हरबा चलता है शैतान बहुत मजबूत है लेकिन हमारे पास जो हथियार है उससे भी ज़्यादा मजबूत है असल में आपको जो बताना चाहता हूँ यही कि शैतान अपनी तमाम कुतों और ताकतों के बावजूद भी हमारे सामने कमजोर है शर्त यह है कि हम उन हथियारों को अपनाएं उन दुआओं का एहतमाम करें अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआओं का एहतमाम करेंगे सुबह में शाम में नमाजों के बाद खाने से पहले खाने के बाद बाथरूम में जाने से पहले बाथरूम से आने के बाद जो जो दुआएं हमारे नबी ने सिखाई हैं उन दुआओं का अहतमाम करें शैतान क्या शैतान का बाप भी कुछ नहीं कर सकता है शैतान को अल्लाह ने बहुत पावर दिया है लेकिन नबी की सिखाई हुई दुआओं में उससे भी ज्यादा पावर है यह असल आपको बताने का मकसद था शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है लेकिन हमारे पास जो हथियार है वो शैतान से भी ज्यादा मजबूत है इसलिए मेरे भाइयों हमेशा अल्लाह के जिक्र में लगे रहें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआओं का विरद करते रहें सोने से पहले नमाजों के बाद आयतल कुर्सी का मुआवज़तन का अहतमाम करें इंशाला फुम्मा इंशाला अल्लाह की जत से उम्मीद यकीन है कि अल्लाह तबारक तआला हमें जरूर शैतान के शर से महफूज रखेगा हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपने असली दुश्मन को पहचानने की तौफीक तो नायत फरमाए और उसके शर से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए उसके शर से बचने के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने जो तदबीरें बताई हैं उन तदबीरों को अल्लाह ताली हमें अपनाने की और उसे अपनी ज़िंदगी में नाफि करने की अल्लाह हम सब को तोफ़ी नायत फरमाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर क़ायम रखे खातमा हो तो ईमान खैर पर हो रबना इन्नका इन न अलीम व उलिम अलैना इन्नका अंत तो रहीम बिरहमतिका का या अरहमर राहमी नामीन